हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओपम के नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट के बारे में। उसके बारे में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये सर्किट कैसे काम करती हैं, कहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसका यूज करते हैं और यहाँ पे कैसे कौन से फॉर्मूले से हम इसका गेन निकालते हैं और इसमें फीडबैक रजिस्टर का क्या रोल होता है और कैसे हम ये पहचानते हैं कि इन्वर्टिंग सर्किट है नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है और इसका जो आउटपुट होता है वो इनपुट से कैसे डिफरेंस होता है। इन सारे पैरामीटर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले दोस्तों, मैंने आपको ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन बफर सर्किट के बारे में डिटेल में एनालिसिस करके बताया, तो प्लीज़ वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लें ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए और ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया था कि आपको ना यहाँ पर प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊँगा कि वो कैसे काम करता है। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप ओपन लूप गेन कवर किया था, उसमें क्या होता है कि गेन जो होता है ओपम का वो इनफाइनाइट होता है बेसिकली, अगर हम थ्योरेटिकली बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ डेटा शीट में इसकी लैक्स में वैल्यू होती है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बात करता हूं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता क्या है। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आप देख सकते हो जो इनपुट है वो पॉजिटिव पे अप्लाई है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास दो फीडबैक रजिस्टर हैं R1 एंड R2, ठीक है, और यहाँ पे मेरा आउटपुट है, ठीक। अब यहाँ पे जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि निगेटिव फीडबैक के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट दिख रहा है ना, मेरा जो ये वी आउट है वो एक R2 रजिस्टर के साथ अटैच होते हुए इसके निगेटिव टर्मिनल पर ओपन के आपको दिख रहा है कि ये निगेटिव फीडबैक में, ठीक है। तो ये बेसिकली एक निगेटिव फीडबैक पॉजिटिव इनपुट पे अप्लाइड वोल्टेज दिख रहा है आपको, पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो होता है जिसमें इनपुट जो होता है हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं, ठीक है, और जो हमारा आउटपुट होता है ना वो सेम फेज में होता है। मतलब जैसे मान लो मेरे पास साइनोसाइडल वेव अगर इनपुट पे अप्लाई है तो मेरा आउटपुट जो है ना सेम फेज में रहेगा, मतलब 90 डिग्री पे मैक्सिमम हमारा इनपुट है तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है जिसको हम गेन का AV को गेन का नाम देते हैं, ये फीडबैक रजिस्टर अपन RI+1 होता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक फॉर्मूला जिससे हम गेन कैलकुलेट करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में, ठीक है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है अगर आप कोई भी एग्जाम हो या कोई भी आप इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रहनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली गेन हो गया जब हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरे पास फीडबैक रजिस्टर 9K का है और 1K का RIN रजिस्टर है, तो यहाँ पे आप जब गेन कैलकुलेट करोगे तो 10 आएगा। गेन 10 का मतलब क्या है कि जब आप इनपुट पे वोल्टेज 1 वोल्ट दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 10 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली गेन हो गया। अब यहाँ पे जो रियल टू रियल पावर सप्लाई है ना, यहाँ पे मैंने 15 वोल्ट रखी, 15 वोल्ट प्लस में 15 वोल्ट माइनस में मैंने यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई रखी, ठीक। अभी क्या होता है कि मान लो कि -1 वोल्ट देता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो आउटपुट मिलेगा वो -10 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल चाहे आप AC भी ले सकते हो, DC भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे DC पे दिखा दिया कि ये कैसे काम करता, ठीक। अभी यहाँ क्या करता हूँ कि मैं एक फीडबैक रजिस्टर के साथ मैंने एक कैपेसिटर ऐड कर देता हूँ, तो फिर भी ये सर्किट जो है सेम बिहेव करेगी, ठीक है। अब ओवरऑल क्या होगा कि जो फीडबैक रजिस्टर्स होगा ना, यहाँ पे इनपुट अप्लाई कर दिया, देख सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल पे, यहाँ पे आउटपुट पे फीडबैक निगेटिव दिख गया, ठीक। अब ये जो कैपेसिटर है ना, इसका कैपेसिटेंस और R का जो रजिस्टेंस वैल्यू है ना, जिसको कैपेसिटिव इम्पिडेंस बोलते हैं, वो बेसिकली पैरेलल में आ जाएगा और उसका जो गेन होगा सेम होगा RF/RIN, ठीक है। अब मैंने बफर के केस में लेता हूँ, मैं बफर के केस में क्या होता है, गेन 1 होता है, ठीक। गेन 1 इसलिए होता है कि जो फीडबैक रजिस्टर है ना, यहाँ पे देख सकते हो जो फीडबैक रजिस्टर है वो 0 ओम का है, जिसकी वजह से आपको गेन 1 वोल्ट दिखने को, जो कि आपको मैंने यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया, ठीक। अब इसको मैं प्रैक्टिकली सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रैक्टिकली में कैसे काम करता है, ठीक। तो प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पास एक ओपम है जिसमें एक फीडबैक रजिस्टर मैंने लगा रखा है 9K का, 1K का यहाँ पे इनपुट रजिस्टर और यहाँ पे आउटपुट है मेरा, यहाँ पे 1 वोल्ट का मैंने सप्लाई दे रखा है ओपम के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ठीक है। दो चीज़ याद रखना, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और आउटपुट सेम फेज में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने 1 वोल्ट का इनपुट दिया, यहाँ पे 9.99 वोल्ट का मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पे रेल टू रेल मैंने 15 वोल्ट सप्लाई दे रखी है, ठीक। तो ये हो गया बेसिक सा एग्जाम्पल जो कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 वोल्ट का मैंने DC सिग्नल लिया, मैंने आपको AC कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने AC करता हूँ, देख रहे हो कि आप जो ये मेरे पास इनपुट है और ये मेरे पास आउटपुट है, ठीक है। तो दोनों का जो वो फेज है ना वो सेम है, मतलब जिस टाइम पे इनपुट मैक्सिमम है उसी टाइम पे आपको आउटपुट मैक्सिमम है, ठीक है। तो दोनों इनपुट और आउटपुट सेम फेज में और हमारा जो इनपुट है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाइड है। ये बेसिक 2 रूल्स होते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पर ना मैं
यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो आपको बताया था अभी सेम फेज में, यहाँ पे देख सकते हो इन फेज है, ठीक है। पहले वाले केस में इन फेज है, जैसे ना 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हम इन्वर्टिंग जब एम्पलीफायर की बात करेंगे तो उसमें जो मेरा आउटपुट आता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको आगे वीडियो में कवर करने वाला हूँ, फिलहाल मैं नॉन इन्वर्टिंग के बारे में कवर करता हूँ, ठीक। तो ये होगी बेसिक सी जानकारी कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। दो चीज़ें होती हैं, इनपुट जो होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई होता है और आउटपुट और इनपुट के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है, मतलब वो दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे काम करता है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो बेसिकली क्या था, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में इनपुट जो था वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर था, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल था, ओपेम के पॉजिटिव टर्मिनल पर था, ठीक है। तो सेम सिमिलर वे में ये होता है कि जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है उसमें क्या होता है, इनपुट जो होता है वो ना निगेटिव टर्मिनल पर होता है, जिसे इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं ओपेम का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों की पोलरिटी चेंज है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम स्कीमेटिक वगैरह डिज़ाइन करते हैं इसमें पोलरिटी चेंज कर देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उस क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम पूर्ण प्रिंट वगैरह डिज़ाइन कर देते हैं तो हमारा पिन टू पिन मैच हो जाता है, ठीक। तो ये बेसिक सा मतलब यहाँ पर आपको फंडा डिफरेंस करने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो बेसिक तरीका, एक चीज़ आपको पता चली, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पहचानने के लिए क्या होता है कि उसका जो इनपुट होगा वो इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पर अप्लाई होगा, ठीक है। अब जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा फीडबैक रजिस्टर लगा है, ठीक, और यहाँ पे एक इनपुट रजिस्टर मेरा आन दिया, ठीक, और यहाँ पे निगेटिव फीडबैक में आप लगा देख सकते हो, जो आउटपुट है मेरा निगेटिव टर्मिनल पे अटैच है और इनपुट जो है वो निगेटिव टर्मिनल पे अटैच है। तो बेसिकली एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है और मेरा जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया था, वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट, ये हर सर्किट में जहाँ भी निगेटिव फीडबैक आएगा वहाँ पर हर सर्किट में आपको वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मैंने दो रूल्स आपको बताया था कि जो इसका इनपुट करंट होता है और आउट करंट जो होता है वो ओपेम का वो जीरो होता है, ठीक है। और इसका जो सेकेंड रूल है ना, ये ओपेम क्या करता है कि जो भी इनपुट टर्मिनल्स का वोल्टेज होता है ना, दोनों की वोल्टेज को सेम रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड है, तो जो निगेटिव टर्मिनल है ना जिसको इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं वो भी ग्राउंड होगा, ठीक है। मतलब ये जीरो वोल्ट है तो वो भी जीरो वोल्ट, अगर ये 5 वोल्ट अगर पॉजिटिव पे सप्लाई दिया है तो वो भी पॉजिटिव वोल्ट निगेटिव सप्लाई भी होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको सिखाया था वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है अगर आप ओपेम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, तो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप जीरो वोल्ट, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वोल्ट ग्राउंड किया तो वही सेम वोल्टेज आपको आउटपुट पे दिख जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको एक चीज़ और बताया कि जो करंट इन होती है आउट होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो कुछ ऑफसेट करंट होता है जो कि डेटा शीट में मेंशन किया जाता है, उसको हम एक्चुअली ओपेम का एरर कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जब मैं डेटा शीट के बारे में बताऊंगा तो ये सारे पैरामीटर्स आपको वहाँ पे कवर कर दूंगा, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कि जो मेरा इसमें इस केस में गेन आता है ना, वो गेन कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो आउटपुट आपको दिख रहा है ना, ये जैसे मैंने आपको नॉन इन्वर्टिंग में बताया था ना, वैसे ही सेम इसका भी गेन होता है। इसका गेन जो होता है ना वो होता है माइनस आर एफ बाई आर इन होता है, ठीक है। अब मैं बकायदा एक सर्किट लूँगा, उसमें एग्जांपल लूँगा, उसको लेके मैं समझाता हूँ आपको कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। उसका आउटपुट जो है ना 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, मतलब जो भी आप इनपुट दोगे ना उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएगा आपको आउटपुट पर, ठीक है। मैं अभी सिमुलेट करके दिखाऊंगा कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट कैसे होता है, ठीक। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का समझ में आ गया, ठीक। अब क्या होता है, ये जो भी जितने भी एम्पलीफायर्स होते हैं इसको वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। मान लो जैसे मान लो कोई मान आपने सेंसर लगाया, ठीक है, इनपुट पर सेंसर लगाया, ओपेम का इनपुट इम्पिडेंस हाई है तो आपका सिग्नल जो वीक है उसको एम्पलीफाई करके हाई कर देगा, ठीक है। कोई माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आ रहा है, वीक सिग्नल है 3.3 का 5 वोल्ट का, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो फीडबैक रजिस्टर है 10K का है और मेरा जो इनपुट रजिस्टर 1K का है और मेरा जो सप्लाई वोल्टेज है 1 वोल्ट है, जो कि निगेटिव टर्मिनल पे लगा है ओपेम के, ठीक। इतनी बेसिक चीज़ आपको पता चल गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा पॉजिटिव है वो ग्राउंड से कनेक्ट है, तो जो 0 वोल्ट यहाँ पे रहेगा वही निगेटिव पे आपको 0 वोल्ट
मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो 1 वोल्ट है ना, ये देख सकते हो, जब 0 वोल्ट यहाँ है, 1 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ से एक करंट फ्लो करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक। आपको पता है कि जो करंट है ना, वो ओपेम का इनपुट करंट 0 होता है, तो मतलब करंट अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका एक पाथ बनता है, ये जो 1 मिली एम्पियर है ना, ये करंट जो है ये फीडबैक रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगी। यहाँ पर देख सकते हो, फीडबैक रजिस्टर के थ्रू ये करंट फ्लोते हुए आउटपुट पे जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि इनपुट करंट तो ओपेम के 0 हो गए, तो ओपेम में तो करंट जाएगा नहीं, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस इसके बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इधर करंट जाएगा, रेड वाली जो लाइन देख रहे हो, इधर करंट जाएगा नहीं, वो 0 होगा, ठीक। तो ये करंट फ्लो होते हुए ऊपर फीडबैक रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करेगा, ठीक है। ये सेकेंड पाथ आपको मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जाते हुए ग्राउंड चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको जब पता है कि रजिस्टर के अक्रॉस जब भी करंट फ्लो करता है, उसके अक्रॉस जो भी करंट होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक। तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब जो भी 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करिए, 10K का रजिस्टर है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, 10 वोल्ट। यहाँ पे RF के अक्रॉस 10 वोल्ट जो वोल्टेज है ना, वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक ओम्स लॉ लगा, और यहाँ पे आपको जो 0 वोल्ट का नोड पे दिख रहा है, जो निगेटिव टर्मिनल है, वहाँ पे आपको KCL का कंसेप्ट लगेगा, ठीक। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो वी आउटपुट की वैल्यू। अब यहाँ पे जो वी आउटपुट की वैल्यू निकल के आती है अपने सामने, वो होती है -10 वोल्ट, राइट। जब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे ना, बेसिक सा फॉर्मूला है, मैं तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला इसका ये होता है कि AV जो होता है, गेन होता है, -RF/RIN, मतलब 10K/1K इज इक्वल टू -10 वोल्ट, ठीक है। तो ये बेसिक इसका फॉर्मूला होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हो, और जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, इसका सेम फॉर्मूला का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा आउटपुट निकल के आ रहा है, 0 वोल्ट यहाँ पर, बी आउटपुट यहाँ पर, तो आप देखोगे इसका जो आउटपुट भी आउटपुट निकल के आएगा -10 वोल्ट होगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इन्वर्टिंग के केस में कौन सा फार्मूला लगाते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में कौन सा फार्मूला लगाते हैं। ये चीज़ें बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है, और इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है और आउटपुट इम्पिडेंस लो होता है, ठीक। तो ये नीचे आपको फार्मूला लिखा हुआ दिख जाएगा, गेन बराबर -RF/RIN, ठीक। ये बेसिक सा आपको गेन का फार्मूला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यही फार्मूला यूज करके आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट लगा के, ठीक है। अब दोनों पे अगर इनपुट दे दिया, तो आप वोल्टेज डिवाइडर लगाओ, वैसे कैलकुलेट करो, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, वैसे आप लगा के कोई भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, ठीक। तो ये रहा आपको पूरी डिटेल एनालिसिस, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे काम करता है, इसके क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनके बारे में सारा मैंने डिटेल आपको कवर कर दिया, ठीक। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि आपको कुछ प्रैक्टिकली एनालाइज करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ताकि आपको प्रैक्टिकली आइडिया हो जाए कि हाँ समझ में आ गया कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक। तो ये बेसिक सा मैं एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ, और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे काम, मतलब बिल्कुल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ही है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, सिंपल है। बस इसमें क्या है कि जो इनपुट है वो निगेटिव टर्मिनल पे, जिसे हम ना इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट देते हैं, और आउटपुट हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। आउटपुट टर्मिनल से आउटपुट ले लेते हैं। तो ये बेसिक सा सिंपल सा सर्किट मैंने लिया है, और यहाँ पे 3K का रजिस्टर फीडबैक में लगाया, 1K का रजिस्टर आपको देख जाएगा सीरीज में, और यहाँ पे जो सप्लाई मैंने दिया है 2 वोल्ट का सप्लाई दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो आउटपुट देख रहे हो आप, 6 वोल्ट की आपको आउटपुट निगेटिव में दिख जाएगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दिख जाएगा, ठीक। देख सकते हो, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। और 6 वोल्ट आपको आउटपुट मिल रही, क्योंकि गेन जो है वो -3 वोल्ट गेन हो गया, और 2 वोल्ट सप्लाई, -6 वोल्ट आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फेज शिफ्ट 180 डिग्री का होगा, क्योंकि माइनस में मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगी, ठीक। तो ये हो गया बेसिकली एक ओपेम के बारे में, ठीक। अभी क्या करता हूँ कि जो मेरा ये आउटपुट जो सप्लाई है ना, जिससे मान लो एक पॉजिटिव रेल होता है, निगेटिव रेल होता है, अगर पॉजिटिव पे 15 वोल्ट है और निगेटिव पे मान लो आप 0 वोल्ट दे दो, तो 0 वोल्ट से नीचे वो जाएगा नहीं, उतने पे ही सेचूरेट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ पहले ही बता रहा है, पहले वीडियो में बता रखा है। आपको अगर नहीं समझ में आएगा, तो पहले वीडियो आप जाके वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बेसिक कंसेप्ट ओपेम के, दिखा दिया आपको, एनालाइज भी कर दिया। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको याद रखना है कि हमेशा इनपुट जो है, अगर निगेटिव टर्मिनल पर है
तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करेगी, इसका आउटपुट 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। हमें यहाँ पे डीसी सप्लाई ले लिया तो देख सकते हो माइनस मुझे कितना वोल्ट मिल जाएगा, 2 वोल्ट लिया तो माइनस 6 वोल्ट के आप देख रहे हो आउटपुट नीचे चली जा रही। यहाँ पे इनपुट 2 वोल्ट और आउटपुट नीचे आपको दिख जाएगा निगेटिव में माइनस 6 वोल्ट। ठीक, तो ये रहा बेसिक से लेके पूरा मैंने पॉइंट कवर कर दिया इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके फ़ायदेमंद हो, तो आपका टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज़ हुआ हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से ज़रूर कर देना। अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।